हाल ही में रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल मूवी रिलीज हो चुकी है, लेकिन मूवी जैसे ही रिलीज हुई उसका एक गाना काफी चर्चा में रहा और वो था अर्जन वैली। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में उठा कि आखिर इस गाने की इतनी चर्चा हो क्यों रही है और इस गाने का गुरु गोविंद सिंह से क्या संबंध है, तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि रणबीर कपूर, अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना और बॉबी देओल स्टार फिल्म एनिमल शुक्रवार 1 दिसंबर 2023 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिल रहा है। ये फिल्म हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज हुई है। फिल्म के निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा है और इसे सेंसर बोर्ड ने एक रेटिंग दी है, यानी ए रेटिंग दी है। बहुत अच्छी फिल्म है भाई साहब। फिल्म के साथ ही इसके गाने की भी खूब चर्चाएं हो रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। 5 भाषाओं में रिलीज हुई एनिमल के लिए गाने भी अलग अलग बने हैं। अर्जन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। फिल्म का ये गाना हर किसी की जुबा पर चढ़ गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन है असली अर्जन वैली और क्या है इसका गुरु गोविंद सिंह से कनेक्शन, तो आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्जन वैली का इतिहास सिख से जुड़ा हुआ है, यानी सिख धर्म के इतिहास से जुड़ा हुआ है अर्जन वैली का इतिहास। एनिमल के गाने को पंजाबी फोक आर्टिस्ट कुलदीप मानक ने कंपोज किया, जो कि सिख मिलिट्री कमांडर हरि सिंह नलवा के बेटे अर्जन सिंह नलवा के जीवन पर आधारित है। हरि सिंह नलवा 1825 से लेकर 1837 तक सिख खालसा सेना के कमांडर इन चीफ थे। उनके छोटे बेटे अर्जन सिंह ने पिता की मौत के बाद उनकी कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ जंग लड़ी। एनिमल में अर्जन वैली गाना दाढ़ी वार संगीत पर बनाया गया, जिसे गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों से लड़ते समय अपने लोगों में साहस पैदा करने के लिए गाया था। ये गाना एक युद्ध घोष के समान था। इस गाने को मशहूर पंजाबी आर्टिस्ट भूपेंद्र बब्बल ने लिखा और गाया भी है। बता दें कि सिख साम्राज्य के हरि सिंह को बाघ मार भी कहा जाता था, क्योंकि एक बार उन्होंने उस बाघ को मार डाला था जिसने उन पर हमला किया था और उनके घोड़े को मार डाला था। उन्होंने उसको अपने ढाल और खंजर से ही मार गिराया था। जगरोगन के पास गांव के गांव, जो वर्तमान पंजाब के पास लुधियाना के पास स्थित है, अर्जन सिंह नलवा ने अपने भाई जवाहर सिंह नलवा के साथ अपने पिता हरि सिंह की मृत्यु के बाद बढ़ते ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ, सिख राज्य की संप्रभुता के खिलाफ बहादुरी से इस जगह लड़ाई की थी। बता दें कि अर्जन वैली गाने में अर्जन सिंह नलवा के युद्ध कौशल को दिखाया गया है। नलवा ने अपने गंडा से यानी कुल्हाड़ी से युद्ध भूमि में कैसे तबाही मचाई। अर्जन वैली ने पैर जोड़कर कुल्हाड़ी मारी, जिसका मतलब यह कि उन्होंने पूरी ताकत से इसे पकड़ा होगा और दुश्मनों को धूल चटाई थी। अर्जन वैली गाने में युद्ध की इंटेंसिटी और युद्ध भूमि पर बहने वाले खून का जिक्र करते हुए सिख योद्धाओं की तुलना बैल से की गई है। गाने के आखिर में अर्जन की तुलना शेर से की जाती है और कहा जाता है कि शेर जैसा रौब जड्डा थल्ले रखदा पुलिस सरकारी, यानी वो पुलिस और सरकार को अपने पांव तले रखता है। एनिमल का अर्जन वैली गाना अर्जन सिंह नलवा और फिल्म के अहम किरदार अर्जुन के बीच की समानता को दर्शाता है। आपको बता दें कि इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अर्जन वैली इतने वीर थे कि उनकी मृत्यु के बाद भी गांव वालों ने उनके कपड़े बाहर टांग रखे थे, जिससे ब्रिटिश और मुगल गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसका सीधा सा मतलब ये कि उनका खौफ इतना अधिक था कि उनके कपड़े देखकर भी दुश्मन ये सोचता था कि शायद अर्जन वैली आज भी जिंदा है और अगर उन्होंने गांव पर हमला किया तो वो उन्हें मार डालेंगे। तो ऐसे वीर नायक थे अर्जन सिंह नलवा और वैली सिंह नलवा। खैर, आपको अर्जन वैली के बारे में ये समस्त जानकारी पाकर कैसा लगा, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।